हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द कैंटरविल घोस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये स्टोरी शुरू होती है एक अमेरिकन फैमिली से। इसमें एक ओटिस फैमिली होती है जो कि अमेरिका से होती है, और ओटिस फैमिली में होते हैं मिस्टर ओटिस, मिसेस ओटिस एंड वॉशिंगटन, जो कि उनका बेटा होता है, बड़ा बेटा होता है 20 साल का, और उसकी बहन होती है, वॉशिंगटन की बहन होती है वर्जीनिया, जो कि 15 साल की होती है, और उसके दो छोटे भाई होते हैं जो कि ट्विंस होते हैं, वो दोनों 12 साल के होते हैं। तो जो मिस्टर ओटिस होता है वो एक घर खरीदना चाहता है, और वो वहाँ का जो मेन लॉर्ड कैंटरविल होता है, जिसका हाउस होता है कैंटरविल चेस, जो हाउस होता है बड़ा हाउंटिंग हाउस होता है, तो मिस्टर ओटिस वो ख़रीदना चाहते हैं, वो हाउस को ख़रीदना चाहते हैं। पर वो जो होते हैं लॉर्ड कैंटरविल, वो बार बार बोलते हैं कि वो हाउस में भूत है। पर मिस्टर ओटिस बोलते हैं अगर वहाँ पे भूत है तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी ख़रीद लूँगा, इसका कोई परेशानी नहीं है। तो वो बार बार बोलते हैं उसको कि एक बार नहीं, आप सोचो उसको 10 बार सोचो, क्योंकि मेरे जितने भी रहने वाले वहाँ पे गए थे और काफ़ी लोगों ने, मेरे घर वालों ने भी वहाँ पे भूत को देखा है, और मेरी एक आंट थी उन्होंने भी वहाँ पे भूत को देखा था, और काफ़ी दिनों तक वो डरती रही थी, परेशान रहती थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक भूत को देखा था। तो मिस्टर ओटिस होता है वो बोलता है कि क्या तुमने देखा है, तो वो बोलता है नहीं मैंने तो नहीं देखा। मिस्टर ओटिस होता है वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे इस पे देखो बिलीव नहीं है और मैं इस पे यकीन भी नहीं रखता हूँ, और मैं अमेरिका से आया हूँ यहाँ पे और मुझे ये हाउस चाहिए, नो मैटर इसमें कोई घोस्ट है क्या है, मुझे इसे कोई भी परवाह नहीं है, अगर घोस्ट भी है तो फिर कोई बात नहीं, अगर मैं उसको देखूँगा भी तो फिर मैं उसको पकड़ लूँगा और म्यूज़ियम में रख दूँगा, और मुझे इसके बदले अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे, तो मुझे इसकी बात की चिंता मत करो। तो जो वहाँ का जो मेन लैंडलॉर्ड होता है वो बड़ा खुश हो जाता है, वो कहता है ठीक है अगर आपको परेशानी नहीं है तो आप फिर ले लीजिए। तो पेपर्स में साइन हो जाते हैं, वो घर मिस्टर ओटिस का हो जाता है, और फिर उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं उस घर में, हाउंटिंग से घर में आते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं गेट के सामने, अपनी कार को जैसे खड़ी करते हैं, तो वहाँ पे एक हाउसकीपर होती है जिसका नाम होता है मिसेस ओमनी। तो मिसेस ओमनी उन सब का वेलकम करती है और कहती है आइए, और वो सब जो फैमिली होती है वो हाउस के अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद मिसेस ओमनी पूछती है कि आप कुछ ठंडा लेंगे या आप चाय पियेंगे, तो जो मिसेस ओटिस होती हैं वो बोलती हैं हाँ क्यों नहीं। तो फिर मिसेस ओमनी चाय बनाने के लिए जाती हैं, उसी के पीछे पीछे उनकी सारी फैमिली पूरा घर देखने लगती है, तो जो मिसेस ओटिस होती है वो भी उसके पीछे पीछे जाती हैं, और एक लाइब्रेरी में जाती हैं। लाइब्रेरी में जाके देखती है कि लाइब्रेरी बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, और फिर उसके बाद वो देखती हैं और एक टेबल में बैठ जाती हैं। फिर जब टेबल से चाय पी के टेबल से उठती हैं तो क्या देखती हैं, फ्लोर में एक ब्लड का स्टेन पड़ा, ब्लड का निशान पड़ा हुआ है, और वो कहती हैं छी ये क्या है, इसको हटाओ, इसको साफ़ करो तुरंत, ये कैसा निशान है। तो वहाँ की जो हाउसकीपर होती है ओमनी, वो कहती है कि ये ब्लड का निशान है, ये खून है। तो मिसेस ओटिस कहती हैं इसको हटाओ, व्हाट नॉनसेंस, मुझे ये बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है, इसको साफ़ करो, इसको यहाँ से हटाओ। तो जो मिसेस ओमनी होती है वो कहती है कि ये ब्लड का निशान आज तक 300 साल से किसी ने इस ब्लड के निशान को नहीं हटा पाया है। तो वहाँ से आते मिस्टर ओटिस आते हैं, तो वो कहते हैं
हाँ मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मेरे पास अमेरिका से लाया हुआ एक स्टेन रिमूवर है और देखना चुटकियों में ये मिटर जाएगा, हट जाएगा। तो वो स्टेन रिमूवर लाते हैं और स्टेन रिमूवर से सब ऐसे ब्लड को साफ करते हैं, वो साफ़ हो जाता है। तो एकदम से क्या होता है, जो मिसेस ओमनी होती है वो ये देख के शॉक हो जाती है कि 300 साल से किसी ने ना इसको पोछा है और ना किसी ने इसको छूने की कोशिश करी है। तो वो बहुत ज़्यादा शौक में चली जाती है और वो एक वहाँ पे एक चेयर पड़ी होती है तो उसी के ऊपर गिर जाती है। एकदम से उसको जब शौक लगता है तो एकदम से गिर जाती है और उसके हाथ पर ठंडे होने लगते हैं, उसका मुंह पीला होने लगता है। फिर उसके बाद मिस्टर ओटिस और मिसेस ओटिस घूमने लगते हैं इधर उधर कि उसकी हेल्प करें, हाउसकीपर की हेल्प करें। और फिर उसके बाद मिसेस ओटिस बोलती है, मिसेस ओमनी आर यू ओके। और फिर उसके बाद जब वो उठती है, मिसेस ओमनी जब होश में आती है, वो कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्यों मिटारा। अब वो नाराज़ हो जाएगा, अब वो गोस्ट नाराज़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा बोलते हुए वो ऊपर वाले रूम में चली जाती है। रात हो जाती है और फिर सब लोग सो जाते हैं अपने अपने रूम में जाकर। तो क्या होता है, जब मिस्टर ओटिस सोते हैं अपने रूम में, अजीब अजीब उनको आवाज़ें आती हैं जैसे जंजीरों की, और बहुत अजीब अजीब चीख चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो वो हाथ में मोमबत्ती लिए हुए वो बाहर को जाते हैं, मिस्टर ओटिस बाहर जाते हैं और देखने के लिए जाते हैं ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो दरवाज़ा खोल के जैसे ही पैर बाहर रखते हैं तो वो सिमोन कैंटरवेल का घोस्ट, और वो बिल्कुल नहीं डरते हैं। तो वो उसको एक ऑयल की बोतल देते हैं और कहते हैं, ये जो ऑयल है ना वो मैं अमेरिका से लाया हूँ, ब्रांडेड है, और इसको अपने ना जंजीरों में डाल लो ताकि ये आवाज़ ना करें। और वो उसको देख के चला जाता है सोने के लिए। तो वो जो घोस्ट होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, वो कहता है कमाल का ये तो मेरे से डरा ही नहीं। और फिर उसके बाद वो घोस्ट सोचता है कि इनके जो दो ट्विंस बच्चे हैं उनको डराता हूँ। फिर वो जाता है, वो ट्विंस बच्चों के पीछे डराने के लिए जाता है, तो वो जो ट्विंस बच्चे होते हैं वो उनके पीछे खड़े होते हैं। तो वो ट्विंस बच्चे क्या करते हैं, पिलो को उठा के ज़ोर से कस के मारते हैं उस घोस्ट के। तो वो इतनी ज़ोर से पिलो मारते जाते हैं पिलो कि वो घोस्ट क्या होता है, भाग जाता है वहाँ से, सीक्रेट रूम में अपने चला जाता है। फिर वो सोचता है कि इसको इन दोनों बच्चों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और इनकी फैमिली को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये जो मेरे से डर नहीं रहे हैं। वो प्लानिंग करता है, खूब प्लानिंग करता है कि कैसे इनको डराऊं। फिर क्या होता है, वो घोस्ट अपने आप को पूरा ग्रीन कर लेता है और कपड़े अजीब ढंग से पहन लेता है, बाल बिखेर लेता है। वो जाता है डराने के लिए, वो जो दो ट्विंस बच्चे होते हैं उन्होंने पहले से क्या एक कमरे में घोस्ट पूरा बनाया होता है पर्दों से, और जो सर होता है घोस्ट का जो सर बनाता है वो कद्दू रख देते हैं, और कद्दू के आँखें ऐसे बनाते जैसे घोस्ट हैं, और कद्दू के बीच में टॉर्च रखते हैं रेड कलर की ताकि वो जब घोस्ट आए तो डर जाए। जब वो घोस्ट आता है तो सच में वो देख के डर जाता है क्योंकि जो लाइट जो कद्दू के अंदर रखी होती है वो ब्लिंक कर रही होती है रेड कलर की। तो जब घोस्ट आता है तो वो ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पे एक और घोस्ट है, मेरे अलावा भी यहाँ पे एक और घोस्ट है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, डर जाता है। फिर जैसे ही वो ऐसे छूता है तो वो जो जिस मतलब उन ट्विंस बच्चों ने पर्दों का बनाया होता है तो जैसे ही वो छूता है तो वो गिर जाता है। तो जब वो देखता है कि ये तो कद्दू से बनाया हुआ है और पर्दों से बनाया हुआ है तो उसको और गुस्सा चढ़ती है, और फिर वो अपने रूम में फिर चला जाता है, बड़ा परेशान होता है। और वो सोचता है कि ये अमेरिकन फैमिली जो आई है बड़ी अजीब है, ये तो डरती नहीं मेरे से, कैसी फैमिली है, डरती नहीं मेरे से, और मैं ऐसा क्या करूँ कि इन लोग डर जाएं, मेरा काम है डराना, ये तो मेरे से ही नहीं डर रही हैं बल्कि ये मुझे ही डराई जा रही हैं। तो वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग करता है।
फिर वो अपना ढंग रूप चेंज करके जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है डराने के लिए, जो ट्विंस बच्चे होते हैं उन्होंने क्या करते हैं कि पानी का जग लेकर ऊपर रख देते हैं, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो पानी सब उसके ऊपर गिर जाता है और वो भूत पूरा गीला हो जाता है। अब जब वो गीला हो जाता है तो वो रोते रोते अपने सीक्रेट रूम में फिर आ जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब उनके भाई वॉशिंगटन और जो ट्विंस वहाँ पे जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ पे जब वो चाय पीते हैं या खाना खाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर वो वेट करते थे कि अक्सर उनके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता था कि आज किस कलर का यहाँ पे दाग मिलेगा, क्योंकि वो जो घोस्ट था वो कभी ब्लू, पर्पल, कभी ग्रीन वो दाग छोड़ देता था, मतलब दाग वो रात भर बनाता था वो। तो उन लोग पता है एक्साइटमेंट रहते थे कि आज किस कलर का दाग होगा, आज किस कलर का दाग होगा। तो उन वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, उनके बीच में शर्त भी लगती थी। और ये सब देख के जो विर्जीनिया थी उसको बहुत ज़्यादा सैड होता था कि इन लोग कितना परेशान करते हैं उसको, गोस्ट को कितना परेशान करते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो गोस्ट लाइब्रेरी के खिड़की में बैठा हुआ होता है और विर्जीनिया धीरे से गेट खोलती है तो उस गोस्ट को देखती है। तो गोस्ट को देखने के बाद वो उस गोस्ट से कहती है, तुम्हें ऐसा क्या हुआ है कि तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो गोस्ट कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो गोस्ट कहता है जब विर्जीनिया अपने भाइयों को एक बार डांट रही थी कि तुम लोग उस गोस्ट को परेशान मत किया करो, तब वो गोस्ट ने इसकी ये बात सुन ली थी। तो वो गोस्ट तब बोलता है कि तुम इस घर में बहुत ज़्यादा काइंड हो और बहुत ज़्यादा समझदार हो जो मुझे समझ सकती हो। तुम्हारे भाइयों ने मुझे तो परेशान करके रख दिया है। तो वो जो विर्जीनिया होती है बोलती है, चुप, एकदम चुप, शट अप। तुम भी तो उनको परेशान करने के लिए क्या क्या सोचते रहते हो, और हाँ, तुम ही हो जो मेरे पेंट चुरा कर नए नए निशान बनाते हो। जो वो घोस्ट होता है वो कहता है, हाँ, मैं ही निशान बनाता हूँ। तुम्हें पता है वो निशान मैं क्यों बनाता हूँ? क्योंकि 300 साल पहले मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था। तो विर्जीनिया कहती है, पर क्यों? तो वो घोस्ट बोलता है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं थी, मुझे खाने को नहीं देती थी, वो अपने भाइयों के साथ बहुत बहुत अच्छी रहती थी, पर वो मुझसे नफरत करती थी, मुझे खाने के लिए नहीं देती थी, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया था। फिर उसके भाइयों ने मुझे उठाकर एक गंदे से कमरे में रखा, अंजीरों से बांध दिया और मुझे खाने के लिए नहीं देते थे वो लोग, और मैं वहीं पे बंधा रहा, भूखा रहा, और मैं सोना चाहता हूँ। तो विर्जीनिया कहती, तो सो जाओ ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेट जाओ, आंखें बंद कर लो। तो वो कहता है, इतना आसान नहीं है सोना, मुझे शांति चाहिए, मुझे सोना है, इतने साल हो गए मैं सोया नहीं हूँ, इतने साल हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है। तो वो जो विर्जीनिया होती है वो कहती, क्या तुम सैंडविच खाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? तो वो घोस्ट कहता है, नो थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो सच में, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? तो वो जो विर्जीनिया होती है वो कहती है, ठीक है, बताओ क्या काम है। फिर उसके बाद घोस्ट बोलता है, तुम्हें याद है घर के पीछे एक जंगल है, उस जंगल के पास एक छोटा सा गार्डन है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी घासें हैं और वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है और हर प्रकार के ट्रीज हैं, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। तो विर्जीनिया बोलती है, क्या तुम गार्डन ऑफ डेथ की बात कर रहे हो? तो वो बोलता है, हाँ।
तब घोस्ट बोलता है, तुम्हें पता है जब तुम पहली बार, जब तुम्हारी फैमिली और तुम पहली बार इस घर में आए थे, तुम्हें वो याद था? एक पोस्टर लगा हुआ था लॉबी में जिसमें पोएट लिखी हुई थी, क्या तुम्हें उसका मतलब पता है? तो वो कहती, नहीं मुझे नहीं पता। तो वो घोस्ट उसका मतलब उसको बताता है, उसमें लिखा हुआ है, तुम्हें मेरे लिए रोना होगा, तभी जाकर एंजल ऑफ डेथ मेरे पास आके मुझे रेस्ट देगी। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो, इतना हेल्प कर सकती हो? क्या तुम उस गार्डन में जा सकती हो मेरे साथ? क्या उस गार्डन में मेरे साथ चल सकती हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक दर्द देखा है मेरे प्रति, और तुम मेरे लिए रोई जब तुम अपने भाइयों को डांट रही थी। 300 साल में किसी ने मेरे ऊपर ऐसा हमदर्द नहीं किया, तभी मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? क्या मेरी हेल्प करोगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और वो ऐसा गार्डन है जहाँ मैं चला जाऊँगा, वो रेस्ट का गार्डन है जहाँ रोना नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है, वहाँ मैं अगर चला गया तो मैं सुकून से रह सकता हूँ। तो क्या होता है, वर्जीनिया कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो घोस्ट कहता है, तुम्हें बहुत ढेर सारी नॉइज़ें आएंगी, बहुत ढेर सारी आवाज़ें आएंगी कि मत जाओ मत जाओ, पर तुम उनकी मत सुनना, और बहुत ढेर सारी आत्माएं तुम्हें रोकेंगी, पर तुम मत रुकना। तो वर्जीनिया कहती है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि घोस्ट उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ ले चलता है। जब वो अपने साथ ले जाता है उसको, तो घर में उसके पेरेंट्स, उसके भाई बड़े परेशान हो जाते हैं कि एकदम से वर्जीनिया चली कहाँ गई है, और उसके मॉम डैड भाई सब उसको ढूंढने लगते हैं, और वो सच में ज़िंदगी में सच में पहली बार वो डर जाते हैं कि कहीं घोस्ट ने उसको कुछ कर तो नहीं दिया है। फिर क्या होता है, बहुत बिजली कड़कती है और 12 बज जाते हैं, तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो घर वापस आ जाती है। जब उसके पेरेंट्स उसको देखते हैं तो उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता भी हम लोग कितना परेशान हो रहे थे। तो वर्जीनिया कहती है, आपको पता है वो घोस्ट की शांति के लिए मैं उसके साथ गई थी, और जाते जाते उस घोस्ट ने मेरे हाथ में ये बॉक्स दिया है, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। वर्जीनिया उस सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पे सिमोन कैंटरवेल घोस्ट की बॉडी जो उसकी वाइफ के ब्रदर ने उसको बांधी हुई थी, उस रूम में, सीक्रेट रूम में लेके जाती है जहाँ पे उस घोस्ट को मारा था। तो उस सीक्रेट रूम में जब वो लेके जाती है अपने घर वालों को, तो क्या देखती है कि चेयर में वो घोस्ट को बांधा हुआ था, पर वहाँ पे वो नहीं था, वहाँ पे उसका कंकाल पड़ा हुआ था और वो बंधा हुआ चेयर से। तो वो उसको बताती है कि वो जो घोस्ट यहाँ पे रहता था, उसकी डेथ कुछ इस प्रकार की हुई, उसने अपनी वाइफ को मार डाला क्योंकि उसकी वाइफ अच्छी नहीं थी, उसको भूखा रखती थी, इसलिए उसके वाइफ के भाइयों ने इसको पकड़ के एक कमरे में रखा और उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते थे, खूब मारते थे, जंजीरों से बांध के रखते थे, इसलिए इसकी मौत ऐसे हुई भूखे मर के, पर अब इसको शांति मिल चुकी है। तो ये थी हम लोग की आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।